हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ पिज़्ज़ा दियावोलो बनाना शेयर करूंगी। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे बनता है पिज़्ज़ा दियावोला। तो इसके लिए, पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका डो तैयार करेंगे। तो हाफ लीटर हमने जहाँ पर नॉर्मल पानी लिया हुआ है, 1.5 चम्मच अब इसके बीच में नमक डालते हैं। तो अब इसके बीच हम हेफे डालते हैं हाफ। तो आप इसकी जगह पर 1 चम्मच ईस्ट भी डाल सकते हैं, जो दानेदार ईस्ट होता है। तो अब इसको मिक्स करके इसके बीच 2 चम्मच जैतून का ऑयल डाल देते हैं। तो अगर आपके पास ये नहीं तो आप नॉर्मल ऑयल चाहे बटर भी यूज़ कर सकते हैं इसके बीच। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो 1/2 चम्मच जहाँ पर हमने चीनी डाल दी, चीनी से कलर चेंज हो जाता है पिज़्ज़े का, इसलिए डाली जाती है बीच में। तो अब जहाँ पर 1 kg मैदा लिया हुआ है, तो हम इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। तो अब 1/2 आटा हो चुका था, तो जहाँ पर इसके बीच में हमने फिर से जैतून का तेल डाल दिया। तो आपको अगर प्रॉपर आटा गूंदने का मेथड देखना है तो आप, मैंने पहले भी एक वीडियो डाली हुई है पिज़्ज़े की अपने चैनल पर, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कैसे प्रॉपर आटा गूंदा जाता है। तो अब आटा हमारा हो गया तो हमने उसके ऊपर फिर से ऑलिव ऑयल डाल दिया। तो अब इसको हम फ्रेश पेपर से रैप कर देंगे ऊपर से। तो 1.5 घंटे के बाद हम देखेंगे हमारा आटा। तो हम जहाँ पर बना लेते हैं पिज़्ज़े की सॉस, जहाँ पर हम टमाटर की सॉस टेट्रा पैकिंग में आती है वो यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको ये भी देखना है कि घर पर कैसे सॉस बनाई जाती है, तो आप वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वो जाकर उस वीडियो में देख सकते हैं कि घर पर कैसे सॉस तैयार की जा सकती है। तो जहाँ पर हमने 1 चम्मच उसके बीच नमक डाल दिया, अब थोड़ी डालते हैं काली मिर्च। अब ओरिगेनो डालेंगे इसके बीच में। अब इसके बीच जैतून का ऑयल डालते हैं 2 चम्मच। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो जहाँ पर हम मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रहे हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए, तो अब सबसे पहले हमने पिज़्ज़ा पैन को ग्रीस कर लिया ऑयल से। तो ऐसे हम आटे को उठाते हुए पैन में रखेंगे और इसे फैला लेंगे हाथों से। तो जहाँ पर हम नाइफ़ की टिप से पिज़्ज़े के बेस पर हम थोड़े छेद बना रहे हैं, ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा बनने के टाइम उस पर बबल्स ना आए। तो अब हम इसके बीच जो हमने टमाटर सॉस बना के रखी हुई है उसको डाल लेते हैं, सारे पर फैला लेंगे। तो ऐसे हम हाथों से हिलाते हुए इसको फैला लेंगे। अब उसके ऊपर हम डाल देंगे चीज़। तो चीज़ हमारा हो गया था, तो अब हम इसके ऊपर सलामी कटी हुई है वो डाल रहे हैं। तो ये हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा दियावोला। तो अगर आप वेजिटेरियन बनाना चाहते हैं तो आप इस सलामी को स्किप कर दीजिए। तो ऊपर आप जो भी वेजिटेबल पसंद करते हैं डाल लीजिए, तो अपना आपका पिज़्ज़ा वेजिटेरियन पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। सिर्फ आपको सलामी छोड़नी है, बाकी आप ऐसे ही बना लीजिए, तो आपका वो वेजिटेरियन पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। तो अब हम प्याज डाल दिए पहले ऊपर, तो अब उसके बाद हम डाल रहे हैं शिमला मिर्च। अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा फेफर डाल रहे हैं। अगर आपको ये नहीं मिलती तो आप नॉर्मली
ग्रीन जो हरी मिर्च होती है उसको भी काट कर डाल सकते हैं। जी हम हरी मिर्च ही डाल रहे हैं, जो जहाँ पर थोड़ी बड़े साइज में मिलती है हम वो डाल रहे हैं ऊपर, लेकिन ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती इसलिए हम ये ज़्यादा डाल रहे हैं। अगर आप नॉर्मल हरी मिर्च डाल रहे हैं तो फिर आप थोड़ी कम डालिए। अब इसके ऊपर अलीवे डाल देते हैं। तो अब फिर से इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल देते हैं। ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो फिर से डाल सकते हैं, नहीं तो नीचे डालना ही ज़रूरी होता है जो हमने दूसरा चीज़ डाला हुआ है। तो अब इसके ऊपर फिर से ऑलिव ऑयल डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि पिज़्ज़ा जब बनता है वो सॉफ्ट रहता है थोड़ा, तो अब जहाँ पर बटर यूज़ कर सकते हैं अगर ऑलिव ऑयल नहीं है आपके पास। तो अब हमने इसके ऊपर ऑरिगेनो डाल दी फिर से। तो अब हमने जहाँ पर पहले 250 सेल्सियस और ऊपर नीचे का राड दोनों को गर्म होने के लिए रखा था, तो हमारा फुल ओवन गर्म हो चुका है। फुल ओवन गर्म होने पर ही हमें पिज़्ज़े को रखना है बीच में, तो अब हम पिज़्ज़े को रख दिया। तो टोटल हमें 15 मिनट पिज़्ज़े को पकाना है, तो 7 मिनट हो चुके थे। अब हम ऊपर से पिज़्ज़े को उठाकर नीचे कर देते हैं। तो अब टोटल 15 मिनट हो गए, पिज़्ज़ा हमारा बनकर तैयार है। तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। तो अब पिज़्ज़े को पैन से निकाल के पिज़्ज़ा प्लेट पर रखते हैं। अब इसको सर्व करने के लिए इसे पहले इसको काट लेते हैं। तो आप भी ऐसे ट्राई कीजिए, बनाइए। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए दूसरों के साथ, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।